अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखो ये है ब्लैक होल का स्टॉक। आपको फुल रोस्टेड लग रहा होगा, रुको पर मैं लाइट बंद और चालू करके बताती हूँ। अभी देख लो, अभी दिखा आपको ग्रे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने साफ करके रखी ना, इसलिए मेरे को मालूम है बेटा। अभी देखो, ओके, ये नकुमन में पता नहीं है खड्डे खड्डे क्या है, ये ऐसा आते हैं इसमें पत्थर में, शायद मेरे को लगता है ये लोग तोड़ने के टाइम वो हथौड़ा पथौड़ा क्या मारते होंगे ना पहाड़ पे, तो इसमें खड्डे हो जाते हैं। बहुत सारे चंग ऐसे मुझे खड्डे खड्डे वाले मिले। देखो टेक्सचर, देखो ये है ब्लैक होल का। देखो आपको ना नीचे ऐसा लगेगा फुल रोस्टेड है, ये आपको दिखा ना फुल रोस्टेड। अभी मैं उठा के बताती हूँ, आप देखो इसका टेक्सचर, ठीक है बेटा। ये है ब्लैक होल। और हाँ सुनो, ये मैंने बाल्टी इसलिए ली हूँ क्योंकि ना एक 25 किलो का ना एक बल्ब पूरा इसमें आ जाता है। और मैं आपको बोली ना थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है, मैं दवा खा रही हूँ, तो वो वजह से ना बेटा इसमें डाल के ना रखी हूँ मैंने, एक औरत को रखी, उसको बैठे बैठे मैं साफ करने बोलती हूँ, वो करके इसमें डाल देती। तो मैंने कल ही ली ये बाल्टी, और मैंने अभी इसको कॉपी बोलो या कुछ भी बोलो आपकी मर्ज़ी, मैंने फिरदौस अंसारी ना उनका देख के कॉपी करी। देखो मैं कॉपी करती तो मैं बोल देती कि मैं कॉपी करी, दूसरे की तरह नहीं, मेरा कॉपी करके बोलते भी नहीं। देखो ये है ब्लैक होल, अभी दिखा, देखो नीचे डालूँगी ना आपको ऐसा लगेगा फुल रोस्टेड है। देखो दिख रहा है, इसलिए मैं सामने से बता रही हूँ एकदम डीप से। ये है ब्लैक होल, ठीक है बेटा देख लो, क्योंकि इसको क्लीन करके रखी। और ये है हमारा जुहू नकुमेंट, जूहू टेक्चर देख लो जूहू का। रुको लाइट चालू भी करके बताती हूँ, लाइट बंद करके भी। और ये क्रीमी टेक्चर है, क्रीमी आपको ऐसा लगेगा एकदम सॉफ्ट, दिख रहा है कितने बड़े बड़े। और है ना ये क्लीन करके रखी हूँ, नॉन ग्रिटी है, ओके। आप देख लो चंक, देख लो मैं पैकिंग करने के टाइम कैसा करती हूँ मालूम है, मैं आपको बताऊँ बेटा। मैं इधर है ना छोटा सा ये पैड है, इस पर बैठती हूँ, और फिर ये बैठे बैठे देखो यहाँ है स्विच, ठीक है, इसको क्या करती हूँ मैं, ये देखो मेरी बिल्ली ने काट काट के उसका मुंह कैसा कर दी। 1500 का चार्जर लेती बेटा, नुकसान कर दी, कल लेने का फिर दूसरा, क्योंकि गैलरी में जाके लूँगी, ऐसा लोकल दुकान से लेते ना चलता नहीं, काट देते चबा देते बेटा मेरे कैट लोग, देख लिए बेटा। और हाँ ये है फुल रोस्टेड। अब मैं बताती हूँ इसका टेक्चर नज़दीक से लाइट बंद करके। आप देखो इसका दिखा आपको, ये कैसा दिख रहा है, वाइट, राइट। अभी और एक दो बताती हूँ आपको, ये भी क्लीन किया हुआ है। और बेटा बहुत बच्चे क्रम्बल्स पूछ रहे हैं, मैं क्रम्बल्स अभी नहीं दूंगी। देखो ये ऐसे निकलेगा ना, ये मैं लास्ट में बेचूंगी, लास्ट में, वो भी कैसा पूरा सब मिक्स करके, फुल रोस्टेड हाफ रोस्टेड ब्लैक होल का। और जो ऑफर में था वो ख़त्म हो चुका है, ऑफर का ख़त्म हो चुका है। और ये देखो ये सब क्लीन किया हुआ है, ऐसा नहीं मैंने क्लीन करी, ये क्लीन करके मैं रखी हूँ, ठीक है। ये भी है, और ये हो गया फुल रोस्टेड। और ये आपको छोटे नहीं आएंगे, ऑर्डर देंगे ना जब, छोटे नहीं डालूंगी, ये तो ऐसा आपको दिख रहा है ऊपर, इसको सेपरेट कर दूंगी, हटा दूंगी, मेरा हस्बैंड ने ऐसे ही डाल दिए ना उसमें, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। और ये है जूहू नकुमेंट, और हाफ रोस्टेड का स्टॉक तो आप लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, हाफ रोस्टेड। और बटर ग्रेवी मेरे पास बहुत है, अच्छा है बटर ग्रे का, और नॉन रोस्टेड का मैं कल वीडियो डालूंगी, आज मैं नहीं डाल सकती, ठीक है। और देख लो देख लो, और देखो मैंने बोल दिया, मैंने वो फिरदौस है ना वो बच्ची का मैंने कॉपी करी, मैं कॉपी कैट हो गई। हाँ इसमें मुझे कॉपी कैट राइट डाल सकते हो, अभी राइट डालो या रॉन्ग डालो, येलो डालो ग्रीन डालो, मेरे को परवाह नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे को अभी ये बिजनेस करना ही नहीं, दिल खराब हो गया मेरा, दिल खराब हो गया एकदम, इतना नुकसान। हाँ और एक बात, और दो तीन बात आप सुनो, क्या है ना बेटा, दो तीन बच्चे उनको शर्म आना चाहिए, शर्म 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 नाम की चीज़ तो सब बेच के खाए, क्या बोलते हैं ना मेरे को मैसेज भेज के, आंटी आपकी वीडियो देख के हमको क्रंच करने बहुत दिल कर रहा है, हमको फ्री में दे दो। अरे कितने लोगों को फ्री में दो, शर्म आ रहा है तुम लोगों को, शर्म
हाँ जब देने का था सबको दी बाबा मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। अगर तुम लोग को नहीं भी बोलूँ ना वीडियो में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है, मेरा अल्लाह जानता, मेरा ऊपर वाला देख रहा है कितना मैं फेंक। और मेरे को अभी इतना खराब खराब मिला है, मैंने इतना खराब वाला सब था, मैंने दी उन लोगों को बुला बुला के मेरे घर पे, क्यों फेंकना चाहिए, किसी के काम आ जाएगा। तुम लोगों को क्या है यार, तुम लोग जाके वो यूट्यूब पे देखो, जाके यूट्यूब पे जितने सेलर है उनका देखो, 1 किलो भी किसी को फ्री में दिए रहेंगे ना, आके मेरे को बोलो कि हाँ आंटी इसने भी इसको फ्री में दिए बोल के। यहाँ गोनी गोनी बल्ब बल्ब चार चार, पहले भी एक लड़की आके लेके गई, अभी भी एक लड़की आके लेके गई, और अभी और निकलेगा तो वो भी दूंगी मैं। यहाँ चूरा बुक्का कचरा भी तक बेच रहे लोग, और तुम लोग को शर्म आना चाहिए मेरे को बोलते। अरे मेरा नुकसान तो देखो, क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे घर में मेरी बच्ची नहीं है, मैं वो पढ़ती नहीं है, मेरे को भी चाहिए। और मेरे मासूम बच्चे जो बिल्ली है ना, उन लोगों का खाने का ना, अगर तुम लोग सुनेंगे ना तो बोलेंगे, उनके खाना है ना कैट फूड। आपको अगर नॉलेज नहीं होगी ना, जो एनिमल्स नहीं पालता है, जाके कैट फूड डॉग फूड जाके पूछो आप लोग, कितना कितना महंगा हो गया है। और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं घर का खाना नहीं खाते भाई, बिल्कुल नहीं। हम खाना भी खाते रहेंगे ना, चिकन मटन जो भी, तो आते भी नहीं, मुंह भी नहीं डालते और देखते भी नहीं, बात सुन के भाग जाते मालूम, क्योंकि उनको बचपन से कैट फूड खाने की ही आदत है। ये देखो बेटा, ये है ब्लैक होल, जिसको मैं बैठ के मेरी कमर तोड़ के मेरा घुटना तोड़ के चून चून के चून चून के ऐसे अच्छे चंग निकाल निकाल के सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, देख लो। और मैं आप लोग को बोल रही तो आप लोग को झूठ लग जाए तो ठीक है, अभी क्या करूँ, कोई उंगली करता तो उसको बोलना पड़ता है ना कि हाँ नहीं मैं बिजनेस नहीं बेटा, मैं बिजनेस, अगर मेरे को बहुत अच्छा सेलर मिला तो मैं आपको ये भी बोलती, बहुत अच्छे सेलर मिले मेरे को तो ज़रूर करूँगी, ज़रूर, मतलब स्टॉक अच्छा देना चाहिए बस, भले मेरा पैसा एक्स्ट्रा लगे ज़्यादा लगे, पर स्टॉक अच्छा देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मैं जो स्टॉक देख के उसकी कीमत दूंगी, मैं भी अभी बहुत प्रोफेशनल हो गई हूँ, स्टॉक देख के मेरे को समझ जाता है कि उसकी कीमत कितनी लगाना चाहिए मेरे को। और अभी से नहीं है ना मेरा, मैं 8 8 7 साल हो गया खाती हूँ, और अभी भी खा रही हूँ, आप लोग को मालूम है। और बहुत बच्चे बोलते हैं क्रंच वीडियो नहीं डालते, मैं बताती हूँ, 1 मिनट आपको देखो बेटा, ये टैबलेट दिख रहा है, आप लोग यूट्यूब पे गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। ये टैबलेट मेरे को 6 महीना डॉक्टर ने खाने बोला है, और आप ये टैबलेट किसकी है वो देख लो। अभी ये टैबलेट भी मैं खाऊं, क्रंच भी खाऊं, वैसे भी ना मैं इतना ज़्यादा ओवर कर रही हूँ ना कि पूछो मत, मेरे को तो चलने भी मना किया, मेरे को बोलते हैं कि बेड पे रहो, मैं अभी बेड पे कैसा रह सकती हूँ, घर का काम कौन डॉक्टर का बाप आके करेगा क्या। वैसे तो काम वाली आती है, पर फिर भी नहीं, मेरे को मेरा घर साफ करना ये करना बहुत पसंद है। देख लो ये टैबलेट है जो हड्डी के लिए है, तो उसके लिए मैं खा रही हूँ, ताकि जो मैंने जब से नकुमन का बिजनेस स्टार्ट करी और जितना दिन में बैठी और जितना मैंने हार्ड वर्क करी, सफाई ये करना वो करना ऐसा करना वैसा करना, आपको क्या लगता है कि खाली ये मैं चादर बिछाई डाल दी और बैठ गई, ऐसा नहीं होता बेटा, 10 बार उठना पड़ता था, कौन सा अच्छा है किस में डालूँ, कौन सा ख़राब है किस में डालूँ, कौन सा बल्क उठाना है ये करना है, उठाना करना ये करना, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। देख लो आप लोग को झूठ लगता है ना, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताती हूँ, तो मैं नहीं बताती। और शर्म आना चाहिए जो मेरे से बोलते फ्री में दे दो, फ्री में क्यों दूँ भाई, फ्री में मैं दे चुकी हूँ, बहुत जन को दे चुकी हूँ, कोई सेलर के मुँह से सुने किसी ने फ्री में दिया है, सुने एक सेलर का नाम बोलो मेरे को आके कि उसने फ्री में दिया है। यहाँ गिव अवे भी नहीं मिलता है लोगों को जल्दी, और मैं फ्री में दे दूँगा, दी बेटा जितने को देना है दी, मैं ऐसा नहीं कि नहीं दी, बाकी मैं बोली ना अल्लाह मालिक, अल्लाह देख रहा है, तुम लोग से झूठ बोलूंगी ना, ऊपर वाले से तो झूठ नहीं बोल सकती ना। ये है झूठ नकुमन, सुन लो, ये क्रंची है और सॉफ्ट क्रंच में, फिर बाद में बोलना नहीं लेने के बाद आंटी ऐसा क्यों था वैसा क्यों था, मेरे घर में नहीं बना है, देख कर लो, इसलिए मैं पूरा इतना डिटेल में डाल रही हूँ। और ये सब सेल हो जाएगा तो कुछ आप लोग को मिलेगा। अभी एक बच्ची को मैं पूछी, जान तो छोड़ो किसकी मैं बुराई नहीं करती, कोई सेलर लोग की मेरी आदत है, कभी बहुत सेलर लोग से मैं ली, मेरे को ग्रेटी भी मिला, पर कभी मैं कोई सेलर लोग का बैड कमेंट्स नहीं डाली, हाँ अच्छा कमेंट्स मैं डाली हूँ सबका, कि हाँ ग्रेटी भी दिया ना तो भी मैं बोली, पर हाँ एक बच्ची शिकायत कर रही थी, आंटी जब वो ऐसी थी तो तुमने हमको क्यों नहीं बोला, तो अभी क्या मैं जा जा के सबको बोलूँ, बोले आपका रिव्यू देख के हमने उससे परचेस किया था, ऐसा नहीं होता बेटा, मैं कोई सेलर की बुराई नहीं कर सकती, आपको लेना नहीं लेना आप लोग की मर्जी है, ठीक है।
सब सेलर मेरे लिए एक ही बराबर है। मैं मेहनत कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वो बोलती हूँ, एक्स्ट्रा कोई लगा के बुझा के नहीं बोलती हूँ। ठीक है, देख लो देख लो देख लो। और अभी ये ड्रम व्रम भी जब बिजनेस बंद करूँगी तो कोई गरीब होगा ना, उसको दे दूँगी, पानी वानी भरने के लिए उसको काम आ जाएगा। देखो ये क्या करी मानू, मैंने ये साफ़ करके ना गोनी में रखी थी, समझे। गोनी में रखने के बाद जब ये ड्रम आया ना मेरे पास कल, तो मैंने क्या करी, गोनी है ना ऐसा, मतलब मेरा हस्बैंड, हाँ मैंने मेरा हस्बैंड ऐसा पूरा वो कर दिया ना बेटा, तो नीचे का जो होता ना दस तो वो छोटे छोटे चंक इसमें ऊपर आ गए और बड़े बड़े नीचे बढ़ गए। पर ये नॉन ग्रीटी है, देख लो, आपको तो आंटी का भरोसा है ना, नॉन ग्रीटी मेरे होते हुए एक ग्रीटी। हाँ देखो बेटा, मैं भी इंसान हूँ, कभी आ जाए तो हाँ, जिसमें मैं 100% बोली ना तो 100% ही रहता है। ठीक है, चलो देख लो, अभी मैं जा रही हूँ। या मेरा अल्लाह, देखो यहाँ भी है पर ये मैंने ये बताई क्योंकि ये डबल डबल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को क्लीन तो है, ये थोड़ा डाउट है मेरे को कि कुछ चंक अच्छे नहीं है तो वो थोड़ा वो करना है। और पिंक नकुमन भी मेरे पास है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।